हेलो स्टूडेंट्स, मैं फॉरेस्ट एनिमल्स का क्वेश्चन आंसर आपको आज लिखवाने वाली हूँ। तो ये आप नोटबुक ले लो और लिखना शुरू कर दो। अब स्कूल खुलने ही वाली है बहुत जल्द, उसके बाद आपको एग्जाम देने में दिक्कत ना हो इसलिए, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करवा रही हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन मीन्स निम्नलिखित सवालों का जवाब दो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो व्हाट आर वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स किसे कहते हैं? वाइल्ड एनिमल्स मीन्स होता है जंगली जानवर। वाइल्ड, डरावना, बहुत डर लगता है देखकर, ये वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, है ना। ये मैंने चैप्टर में आपको पढ़ा चुकी हूँ और थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन आंसर में एकदम दिक्कत ना हो। चलो, व्हाट आर वाइल्ड एनिमल्स, तो एनिमल्स दैट लिव इन डीप एंड थिक फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। जो बहुत सारे डीप जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट मीन्स बहुत घने जंगल में रहते हैं, एकदम अंधेरा होता है जंगल के अंदर और पूरा मतलब बहुत बड़े बड़े पेड़ से ढके रहते हैं, बहुत घना जंगल रहता है उसके अंदर, डरावने जंगल, डरावने जानवर रहते हैं, है ना, देख कभी डर लगेगा। तो इस तरह के जंगल में, डीप जंगल में और बहुत घने जंगल में रहते हैं ये जानवर, तो इसको कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। तो सेकेंड में है व्हाट आर इनडेंजर्ड एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स को जो है इंसानों ने मार रहा है, अपने जो है फायदे के लिए इंसान मार रहे हैं, स्पोर्ट्स का सामान बना रहे हैं और भी बहुत सारे सामान बना रहे हैं, इसके लिए क्या है उसके चमड़े का यूज कर रहे हैं, बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम बना रहे हैं, लेकिन ये इंसान नहीं समझ रहे हैं कि जानवर किस तरह लुप्त हो जा रही है, खत्म हो जा रही है, गायब हो जा रही है, इसके बाद ये जानवर आएंगे कहां से, है ना। ये तो नेचर का गिफ्ट है ना। तो व्हाट आर इनडेंजर्ड एनिमल्स, तो इनडेंजर्ड एनिमल्स आर एनिमल्स दैट आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। ये गायब होने वाले हैं, इसको बचाओ। जो एनिमल्स जो है गायब होने वाले हैं, जिसको मार दिया जा रहा है, खत्म कर दिया जा रहा है, डेंजर में है, इसको कहते हैं इनडेंजर्ड एनिमल्स, ठीक है। भविष्य में शायद ये फिर दिखे ना। नेक्स्ट है व्हाई आर वाइल्ड एनिमल्स किल्ड, वाइल्ड एनिमल्स को क्यों मारा जा रहा है। अभी जैसे मैंने बोला मेडिसिन के लिए मारा जा रहा है, स्पोर्ट के लिए मारा जा रहा है, अपने फूड के लिए भी मारा जा रहा है। तो वाइल्ड एनिमल्स आर किल्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर स्पोर्ट, फूड और मेडिसिन। स्पोर्ट के लिए मारा जा रहा है मतलब उसके साथ खेलने के लिए नहीं, स्पोर्ट का बहुत सारे सामान जो होते हैं एनिमल्स के चमड़े से या कुछ हड्डियों से बनाया जाता है, इसलिए भी एनिमल्स को मारा जा रहा है। तो ये मैंने आपको सेकंड में समझाया व्हाट आर इनडेंजर्ड एनिमल्स में, ठीक है। यहाँ पूछा गया व्हाई आर वाइल्ड एनिमल्स किल्ड, वाइल्ड एनिमल्स को क्यों मारा जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है वाइल्ड एनिमल्स आर किल्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर स्पोर्ट, फूड और मेडिसिन। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन फॉलोइंग, तो इसको जो है डेफिनेशन देकर आपको समझाना है। पहला है हर्बीवोरस, हर्बीवोरस क्या होता है, तो ये मैंने चैप्टर में समझाया है, ये जो है आप पहले का वीडियो जाकर देख लेना, फिर भी मैं एक बार समझा देती हूँ। सम एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, ज़ेब्रास एंड डियर ईट ग्रास, फ्रूट एंड लीव्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। कुछ एनिमल्स जो होते हैं जैसे एलिफेंट्स, ज़ेब्रास एंड डियर्स जो होते हैं ना, वो ग्रास खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उसके बाद जो है लीव्स भी खाते हैं, तो इस तरह के एनिमल्स को हर्बीवोरस कहा जाता है, या प्लांट ईटर्स भी आप कह सकते हो। कार्निवोरस एनिमल्स लाइक लेपर्ड्स, लायंस एंड स्नेक्स हंट एंड किल स्मॉलर एनिमल्स एंड ईट देयर फ्लेश आर कॉल्ड कार्निवोरस। तो कार्निवोरस किसे कहते हैं, एनिमल्स, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स जानवर होते हैं जो जैसे लेपर्ड्स, लायंस, स्नेक्स, ये जो है ना, ये दूसरे छोटे छोटे जानवरों का शिकार करते हैं, शिकार करने के बाद उसको खाते हैं, उस तरह के एनिमल्स को कहते हैं कार्निवोरस, या फ्लेश ईटर एनिमल्स भी कहा जा सकता है। ओमनीवोरस, ओमनीवोरस क्या है, एनिमल्स लाइक बियर्स एंड क्रोज ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस। ओमनीवोरस किसे कहते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जिसको आपने देखा होगा कि ये मांस भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, दूसरे जानवर जो मरे हुए पड़े रहते हैं उसको भी खाते हैं, मार के भी खाते हैं, और साथ में जो है प्लांट्स भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, लीव भी खाते हैं।
इस तरह के बहुत सारे एनिमल्स है, इस तरह के एनिमल्स को ओमनीवोरस कहते हैं। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट, स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या है? कुछ जानवर जो होते हैं वो बहुत दिनों से जो है मरा हुआ सड़ा हुआ जानवर जो जंगल में पड़े रहते हैं ना, उसको खाते हैं, ठीक है, उसको नोच नोच कर खाते हैं, बदबूदार। तो ये जो इस तरह के एनिमल्स जो होते हैं, जो सड़े हुए बहुत दिनों से मरे हुए जो जानवरों को मांस मीट खाते हैं, उस टाइप के एनिमल्स को स्कैवेंजर्स कहते हैं। लेकिन ये स्कैवेंजर्स जंगल को साफ रखने में बहुत हेल्प करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जितने भी सड़े पुराने हैं वो तो खा जाते हैं, तो जंगल तो साफ रहेगा ही ना। समझ में आई? चलो नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो डैश एंड डैश आर इनडेंजर्ड एनिमल्स। अभी मैंने समझाया इनडेंजर्ड एनिमल्स क्वेश्चन आंसर में भी, और अगर ज्यादा डिटेल में चाहिए तो आगे का वीडियो चैप्टर में पढ़ाई हूँ, देख लेना, बुक से पढ़ाया है उसमें, उसमें मैंने बोर्ड नहीं यूज किया, ठीक है, वो देख लेना। तो अभी जो है टाइगर्स एंड पांडास आर इनडेंजर्ड एनिमल्स क्यों कहा गया है, पता है? क्योंकि ये जो है डेंजर में है, ह्यूमन बींग्स जो है, इंसान जो है इसे मार दे रहा है अपने यूज के लिए, है ना। डिटेल में मेरे उसमें पहले वाला वीडियो में है, देख लेना। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, टाइगर्स एंड पांडास आर इनडेंजर्ड एनिमल्स। अच्छा, नेक्स्ट है क्रोकोडाइल्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। क्रोकोडाइल क्या है? बोथ लैंड में भी, जमीन पे भी रहता है, और वाटर में भी रहता है, बिंदास रहता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है स्कैवेंजर्स डैश हेल्प टू कीप द फॉरेस्ट क्लीन बाय ईटिंग द फ्लेश ऑफ, यहाँ पे इरेज हो गया, रुको एक मिनट, हाँ, फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स। अभी मैंने समझाया स्कैवेंजर्स जो है, जो पुराने गले सड़े जानवर का मीट पड़ा रहता है ना, जानवर मर के उसको खाते हैं, उसको कहते हैं स्कैवेंजर्स, है ना। तो फॉरेस्ट क्लीन रखने के काम यही करते हैं, डेड एनिमल को मार के खा जाता है उस, डेड नहीं, डेड एनिमल मतलब जो पुराना सड़ा हुआ, जो मरा हुआ बहुत दिनों से एनिमल्स पड़ी रहती है ना जंगल में, तो उसको वो खाता है, तो उससे क्या होता है कि जंगल क्लीन हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आप लिखा स्कैवेंजर्स हेल्प टू कीप द फॉरेस्ट क्लीन बाय ईटिंग द फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स। समझ पाया? नेक्स्ट है फिश स्विम्स विद द हेल्प ऑफ फिन्स। फिश जो है स्विम करता है पानी में ना, देखा है आपने? बहुत में बहुत सारे ऐसे बच्चे कह रहे थे कि मैडम उनके तो विंग्स नहीं होते, जैसे बर्ड्स के विंग्स होते हैं ना, वो एयर में उड़ते हैं, तो फिश के तो नहीं होते हैं, तो वो कैसे स्विम करते हैं? तो बेटा यहाँ पे मैं बता रही हूँ, देखो फिश और फिन्स किसे कहते हैं वो भी मैं बता रही हूँ। यहाँ पे जो है ऐसे मान लो एक फिश है, ठीक है, समझ में आया? तो ये मान लो फिश है, तो ये जो है ना, ये देखे हो कभी फिश का, जो फिश खाते हैं उनको ज्यादातर पता रहेगा, है ना, ये कट करके उसके बाद फेंक देते हैं, उसके बाद साफ करके कुकिंग करके खाते हैं। लेकिन ये जो चीज होते हैं ना, इसी को फिन्स कहते हैं, और इसी से जो है इसी के सहारे से ये स्विम करते हैं वाटर में, तो इसको कहते हैं फिन्स। अंडरस्टूड? अब समझ में आ गया, भूलोगे नहीं ना, ये फिन्स हो गया, इसके सहारे ये स्विम करते हैं। ओके, समझ में आया? तो फिश स्विम्स विद द हेल्प ऑफ फिन्स, समझ में आ गया, ये हो गया फिन्स, इसको फिन्स कहते हैं। तुम्हें तो और कर्सिव पसंद है, फिर मैं ऐसे ही लिख दूंगी तो आप बोलोगे मैडम आधा कर्सिव और आधा ये, कोई बात नहीं, ठीक है, अब समझ में आ गया, ये फिन्स हो गया, समझ में आया। अच्छा, अब मैचिंग, मैचिंग में क्या दिया है, फिश स्नेक बर्ड लायन, ये कॉलम ए में है, कॉलम बी में है फ्लाइज स्विम्स रन्स क्रॉल्स, ये दो ग्रुप में बांटा हुआ है, ये दो ग्रुप में बांटा हुआ है।
करता है? दौड़ता है, चलता है? नहीं ना, क्या करता है? स्विम्स। तो ये क्या होगा? स्विम्स क्या होगा? तो नंबर वन, यहाँ नंबर वन है तो मैंने यहाँ पे नंबर वन लगा दिया। स्नेक क्या करता है? जंप करता है? नहीं ना, क्या करता है? चलता है? नहीं, तो पेट के सहारे से चलता है, उसको कहते हैं रेंगना। अपने पेट के सहारे से चलता है, उसको कहते हैं रेंगना। उसके पैर नहीं होते। तो यहाँ पे क्रॉल्स, रेंगने को इंग्लिश में कहते हैं क्रॉल्स। क्या कहते हैं? क्रॉल्स। तो स्नेक क्रॉल्स, यहाँ सेकेंड नंबर। समझ में आया? बर्ड, बर्ड क्या? ये तो सबको पता है, इसका तो भगवान ने दिया है, आराम से फ्लाई करता है ऊपर, है ना? क्या दिया है? विंग्स दिया है ना? तो क्या करता है? हवा में आराम से उड़ता है, पंख फैलाए, है ना? विंग्स मतलब पंख। तो क्या कहता है? फ्लाइज, बर्ड फ्लाइज। समझ में आया? लायन, लायन से तो भाई कोई नहीं बच सकता, वो तो पैर है मजबूत एकदम मोटा ताजा। जू में कभी गए हो? जू में जाके जरा देखना, जैसे ही बाहर चिड़िया अपने पिंजरे के बाहर देखता है ना, वो तो डर से घिरा रहता है, पिंजरे के अंदर रहता है। जब इंसान को देखता है ना, तो कैसे एकदम गुस्से से देखता है कि एक बार पिंजरा खुलता और मैं सारे को दबोच लेता, तो रन करके दबोच लेता, मतलब दौड़ के दबोच लेता। तो कैसे गुस्सा के इधर उधर टहलता है, देखे हो कभी? यूं यूं करके टहलता है ना? तो ये लायन है, तो लायन रन्स, ये दौड़ता है, इसको इसका पैर होता है ना? समझ में आया? वीडियो पसंद आई? मुझे आशा है कि तुम्हें पसंद आई। तो सब्सक्राइब कर दो ना, लाइक भी कर दो और दूसरे को शेयर भी कर दो। चलो, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।